उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल गए, हैशटैग TSR1 to TSR2, त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से इसका जश्न मनाया हमारे पंडा पुरोहितों ने। चार धाम के पंडा पुरोहित क्या कहते हैं, सुनिए उनकी बात। उत्तराखंड सरकार में जो आज फेरबदल हुआ है, आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यह विजय श्री दिन मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे वह बहुत ही धर्म विरोधी और चारों धाम की देवभूमि विरोधी कार्य कर रहे थे, और हम लोगों ने जो है उन लोगों को उसको उतारने के लिए जो है यह जुलूस निकाला, और आज यहाँ पर जो है विजय दिवस मना करके यहाँ पर चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जो है यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं। और हम अब निवेदन करते हैं जो वर्तमान में सरकार बनेगी उनको एक चेतावनी भी देते हैं। गंगा मैया की जय। आज बहुत ही हर्ष का दिन है और इस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। सनातन धर्म का जो विरोधी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व हो गए माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, और ऐसे अधर्मी जिसके धर्म से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया। गंगा मैया की जय। मुखौटे वाली सरकार के जाने का वक्त आ गया है। 10 महीने का इंतजार हमारे पंडा पुरोहित भी कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं, छात्र, पुरुष सब कर रहे हैं। और ये सरकार मुखौटे वाली जाएगी, ऐसी सरकार दोबारा ना आए ऐसा सुनिश्चित हमारी जनता करेगी। और उत्तराखंड के कांग्रेस जो है उनको भी आवश्यकता है कि पूरी मेहनत के साथ जन संपर्क करें, और किसी को ये ना सोचे कि वे उनको वोट नहीं देंगे अगर वे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, क्योंकि वोट कहीं से भी आपको मिलेगा, क्योंकि जनता आपकी ओर देख रही है, आपके हाथ बढ़ाने का वक्त आ गया है।